everyone. Here we go, Seth. That's there for that. Thank you. Okay, Seth, it's all there. No. As discussed. Thank you. साउथ कोरिया वेंट ऑन टू द सेमीफाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड कप डिफीटिंग इटली इन द राउंड ऑफ 16 एंड दैट इटली टीम कंसिस्टेड ऑफ मालदीनी कटूसो टोटी डेल पियरो और साथ ही साथ उन्होंने स्पेन को भी डिफीट किया था क्वार्टर फाइनल्स में और ऐसा बोलते दैट Both the matches were match fixing हुआ था fixing allegations and all. It was very controversial. तो ऐसा क्या हुआ था उन matches पे? Let's see. South Korea had to face Italy in the round of 16. वो इटली की टीम जिसके पास मालदीनी कटूसो टोटी एंड डेल पियोरो जैसे प्लेयर्स थे Till 90 minutes the score was 1-1. उसके बाद टोटी was sent off for a non-existent dive. जिसका मतलब था ही नहीं वो dive actually. Still, Italy scored a goal which was incorrectly ruled out for offside. मतलब वो offside दे दिया गया. That goal was जबकि वो offside नहीं था. And at last South Korea scored their golden goal. And that goal was scored by Jung Hwan. इस मैच के रेफरी थे Brian Moreno. Brian Moreno gave very much questionable decisions. और इसकी वजह से उनको बहुत बार multiple suspension हुआ for questionable decisions. And the most important fact was after 8 years of that World Cup. He spent a prison time for smuggling heroin. So, it was one of the most biggest scandal in football. मतलब इतने ज़्यादा questionable decisions दिए गए in favor of South Korea. But वही हुआ. At last, South Korea went on to the quarters. और quarters में भी same type of story वापस दोहराई गई against Spain. Spain के साथ भी वही same बकचोदी हुई थी. South Korea ने एक own goal मारा था, which was denied. और एक Spain ने खुद ने goal मारा था. Which was scored by Fernando Morientes, which was denied for crossing the byline, जबकि वो clearly on play था. So the scoreline was 0-0, and it went on to the extra time, and then finally to the penalties. And असली बकचोदी यहाँ पे होती penalties पे. तीन penalties तो सही था. Spain ने भी तीन score किया, South Korea ने भी तीन score किया. फिर आते हॉकिन Spain की तरफ से, और उनका penalty saved हो जाता है. और अब clearly दिख रहा होगा keeper कितना आगे आ गया था. And most importantly. This penalty wasn't retaken. What? What the fuck? And at last, South Korea jeet jati penalties 5-3 ke score se and went on to the semi-finals. Aur wapas se wahi same scandal hua. Jaise Italy mein hua tha, Italy against Italy hua tha, waisa hi same against Spain bhi hua. Chabi, 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 तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे आपको याद है एन जुंग हान जिसने वो गोल मारा था अगेंस्ट इटली साउथ कोरिया की तरफ से आयरोनिकली ही वॉज प्लेइंग इन सीरी बी पोरुशिया की टीम में से एंड ही वॉज रिमूव बाय द क्लब प्रेसिडेंट मतलब उसने निकाल दिया उस प्लेयर को हमेशा हमेशा के लिए एंड साथ ही साथ एक अर्जेंटाइन न्यूज़पेपर है ला नेसियन करके उन्होंने पब्लिश किया था कि दिस वर्ल्ड कप should be called as null and void. सबसे बड़ा ब्लेम इस पर जाना चाहिए Obviously, Sepp Blatter, उस समय के जो फीफा प्रेसिडेंट थे उनके ऊपर जाना चाहिए और वो फीफा प्रेसिडेंट थे till 2015 उसका तो उनको निकाल दिया गया था ड्यू टू करप्शन केसेस एंड ही इज बैंड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग फीफा एक्टिविटीज अंटिल 2027. तो उन्होंने ऐसा क्या किया था बेसिकली क्या है ना देखो जब वोटिंग होता है ना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए एक स्मॉलर फेडरेशन की वोटिंग का भी ना वोट का भी वेटेज सेम होगा एज कम्पेयर टू स्पेन या इटली या इंग्लैंड के वोट के वेटेज के साथ इट विल बी सेम सो सेप ब्लैटर ने क्या किया था इस टूर्नामेंट के लिए उसने रेफरीज ओपन कर दिया रेफरीज को लाया स्मॉलर फेडरेशन से जस्ट बिकॉज ऑफ गेनिंग देयर वोट्स सिंपली बिकॉज ऑफ देयर गेनिंग देयर वोट्स और आपने देखा रेफरी का डिसीजंस वर डिजास्टरस थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत ही खराब था उन लोगों का डिसीजंस आई एम नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग बट ऑब्वियसली जब इतना बड़ा टूर्नामेंट हो तो रेफरी शुड बी एट द टॉप लेवल के रेफरीज को लाना पड़ेगा राइट एंड मोस्ट ऑफ द रेफरीज स्पेशली असिस्टेंट रेफरीज जो थे टूर्नामेंट पे वर नॉट फ्रॉम द मेजर लीग्स सो बेसिकली वही था सेप ब्लैटर को छोटे फेडरेशन के वोट को गेन करना था
उसी के लिए उन्होंने ये कांड किया था। बड़ा हरामी हो बेटा। अकॉर्डिंग टू इटालियन मीडिया, जैक वर्नर उस समय के जो फीफा के वाइस प्रेसिडेंट थे एंड कह सकते हैं सेप ब्लैटर के राइट हैंड थे, उनके ऊपर फिक्सिंग के एलिगेशन लगाए गए थे और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने फिक्स किया था स्पेन और इटली वाला मैच। इवन फ्रांस के मैनेजर ने यह बोला था कि शायद साउथ कोरियन प्लेयर्स आर यूजिंग ड्रग्स द वे दे आर रनिंग एंड दे उनके वर्क रेट इतना ज्यादा है इसकी वजह से, बट एट लास्ट कुछ रिजल्ट नहीं निकला था, मतलब उनके यहाँ पे कोई ड्रग्स मिला नहीं था एट लास्ट। बट इन सब चीज को छोड़ के, द स्कैंडल पार्ट, फिक्सिंग पार्ट एंड ऑल, इन सब को छोड़ के एक चीज बहुत अच्छा हुआ था कि सिंस 2002 साउथ कोरिया एंड जापान का फुटबॉलिंग ग्राफ सिर्फ बढ़ा ही है, उन्होंने सिर्फ प्रोग्रेस ही किया है इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल, और ये बहुत अच्छी चीज़ हुई थी। सो गाइज, अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आप लोगों को इस तरीके के कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले कंटेंट और चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो पे एटलीस्ट 25 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, उसके बाद मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आई विल अगेन मेक अनदर गुड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अबाउट फुटबॉल। सो गाइज, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। बाय।